गाइस यहाँ पे है मेरे पास पेबल कंपनी की स्मार्ट वॉच। और गाइस आज के इस वीडियो में हम इस स्मार्ट वॉच का जो है पूरा रिव्यू करने वाले हैं कि कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं और क्या क्या जो इसमें फंक्शंस वगैरह आपको मिल जाते हैं। गाइस तो मेरी चैनल पे आप अगर पहली बार आए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस जो है उसके अपडेट आपको मिलती रहेगी। गाइस इस पेबल कंपनी की स्मार्ट वॉच की आप अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जो है क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे है मेरे पास पेबल कंपनी की स्मार्ट वॉच। तो गाइस सबसे पहले हम इसे ऑन कर लेते हैं, ये अभी स्विच ऑफ है तो हम इसे सबसे पहले स्विच ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस ये वॉच जो है ये पेबल कंपनी की है, तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले पेबल का लोगो मिल जाता है स्विच ऑन करते ही। तो आप देख सकते हैं गाइस ये हमारी वॉच जो है अभी ऑन हो चुकी है और यहाँ पर जो है अभी हमें डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है इसका टाइमिंग। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे की साइड में हमें इस तरह से जो इसका सेंसर वगैरह मिल जाता है। और गाइस जैसे ही आप इस तरह से जो है यहाँ से इस साइड में आप स्लाइड करते हो तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे टर्न ऑन का आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि आप इसे अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे ही इसे इस तरह से स्लाइड करते हो तो आपको कई सारे ऑप्शन वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और गाइस आपको जो यहाँ से डायरेक्ट बैक आना है तो आपको ये बटन प्रेस करना है तो डायरेक्ट जो है आप बैक आ जाते हो। और गाइस इसके सारे फंक्शन अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे स्लाइड करना होता है। जैसे आप स्लाइड करते हो तो आप देख सकते हैं गाइस आपको कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह मिल जाते हैं। जो भी इसमें फंक्शंस मिलते हैं वो आपको इस तरह से यहाँ पर मिलेंगे और उसके बाद हम इसे यहाँ से बैक कर देना है। गाइस इस वॉच की जो है आप ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऊपर की साइड से इस तरह से स्लाइड करना है। और स्लाइड करने के बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है आपको मोबाइल कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है वो है आपका ब्राइटनेस का। तो आप जो इस तरह से यहाँ से ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इस फंक्शन जो हमें यहाँ पे दिया गया है ये फंक्शन इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जो है जैसे मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे सारे फंक्शन या एप्लीकेशन जो इस तरह से हमें मिल जाती है तो आप इसे भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही बैक आना है तो फिर से ये वाला बटन प्रेस करना है और उसके बाद फिर से हम देखेंगे गाइस यहाँ पे जो है हमें एक सेटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है और उसके नीचे जो है गाइस यहाँ पे हमें इसकी बैटरी जो है वो देखने को मिल जाती है कि अभी इसमें कितना परसेंटेज या तो कितना बैटरी जो है चार्ज बचा हुआ है। तो गाइस जैसे ही हम इसमें कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो हम सिंपली इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे और यहाँ पे आपको कई सारी अलग अलग सेटिंग्स करने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जैसे कि ब्राइटनेस चेंज करना, फ़ोन को जो कनेक्ट करना या आपके जो भी कॉल्स है उसे रीसेट करना है या DND मोड आप कर सकते हैं, इसकी वॉच की जो फेस है उसे भी आप चेंज कर सकते हैं, इसे रीसेट कर सकते हैं, वॉच को आप पावर ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से। इस तरह से जो है गाइस आपको कई सारी ऑप्शंस और यहाँ पे आपको सेटिंग्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और गाइस सबसे मेन ऑप्शन हमें चाहिए तो वो है इसकी फेस को चेंज करना। तो जैसे कि आप ये वाला जो फेस दिख रहा है वॉच का अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो इसे जो सिंपली यहाँ पे टैप करके रखना है। जैसे आप टैप करके रखते हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको अलग अलग फेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और आप यहां पे कोई भी फेस रखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से जो है आप इस स्मार्ट वॉच को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस स्मार्ट वॉच को जो परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वहां से जो इसे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। और गाइस आपको अगर कोई क्वेश्चन है इस वॉच के बारे में तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल पे आप अगर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।